Hello everyone! Hope you all are enjoying the glimpses of Ramlila. Well, I am enjoying a lot. मजा आ रहा है आपको? आ रहा है आप लोगों को? So friends, कल हम लोगों ने देखा था कि कैसे रावण ने अपने अहंकार में आके कैलाश पर्वत उठाने की कोशिश की थी। इस घटना से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मानव का अहंकार दिव्य शक्ति के सामने छोटा पड़ जाता है। So friends, आज की रामलीला में हम देखेंगे विश्वामित्र का राजा दशरथ के पास जाना, राम भगवान और लक्ष्मण से सहायता मांगना ताड़का वध के लिए, राजा दशरथ का पुत्र मुंह में आके विश्वामित्र को मना करना, फिर उसके बाद राजगुरु का राजा दशरथ को समझाना कि पुत्र मुंह में आकर आप अपनी मर्यादा और जिम्मेदारी से भाग रहे हो। सो फ्रेंड्स, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें शिक्षा मिलती है दैट पावर कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? चारों राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए ले जा रहे हैं अपने आश्रम में। आओ पुत्रों, देखो हम तुम्हें गायत्री मंत्र सुनाते हैं। हे राजन, आप तो भली भांति जानते हैं हम ऋषि लोग नगर को छोड़कर निज वनों में अपना जीवन बिताते हैं, परंतु अब उन स्थानों पर भी हमारा पूजा अर्चना करना असंभव। ये तो नहीं हो सकता। ये तो मैं कदापि नाम नहीं दूंगा। हाँ, अगर आपको आज्ञा हो तो मैं स्वयं चलने के लिए तैयार। इतनी बच्चों की मत्ता है, जा चुकी जवानी दीवानी, फिर भी जो माया में भटकता है, उनका संकट करने में इतना विलंब, इतनी अड़चन, कुछ दिन को उनको देने में इतनी बातें, इतनी औचन, यदि आप विष्णु से कहता मैं चल देता छोड़ तरुण बहन, संकट से विनती करता हिल जाता उनका भी आसन। इस तरह निराश होकर अयोध्या से ना जाएं, मैं राजन को समझाता हूँ और आपके मंतव्य को समझता हूँ। आप शांत रहें। राजा, प्रभु कुल ने सदा ही ऋषियों के लिए अपना सर्वस्व लुटाया है। आप भी अपना धर्म निभाएं और पुत्र मोह को त्याग कर आप निश्चिंत होकर ऋषिवर के साथ अपने दोनों पुत्रों को भेज दें, इसी में उनका कल्याण है। वैसे तो राम और लक्ष्मण अभी बालक, अगर आपकी आज्ञा और ऋषि राज की आज्ञा है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं और अपने मोह को त्याग कर धर्म का पालन करता हूं। ठीक है गुरुदेव, मैं अभी राम और लक्ष्मण को बुलाता हूं। जाइए मंत्री जी, आप जाइए, राम और लक्ष्मण को दरबार में लेकर आइए। आज अर्पण है तुम्हें, जीवन भर की जो कमाई है बड़ी मुश्किल से मुझे प्रभु ने सूरत इनकी दिखाई है। ऋषिराज रक्षा में इनके कुछ ध्यान रखना। अच्छा, ऋषिराज के साथ चलो। और अब हम देखेंगे रामायण का एक प्रसिद्ध किस्सा ताड़का वध, जिसमें राम भगवान और लक्ष्मण ने ताड़का जैसी दानवी को मारा था।
ताड़का एक दानवी थी जो ऋषि मुनियों को डराया करती थी। वो बहुत शक्तिशाली थी, उसके शरीर में 1000 हाथियों का बल था और वो अपनी इच्छा अनुसार कोई भी रूप बदल सकती थी। इसीलिए ऋषि मुनियों ने राम भगवान जी और लक्ष्मण से मदद मांगी और राम भगवान और लक्ष्मण ने ताड़का का वध किया। दोनों राजकुमार चल पड़े गुरु विश्वामित्र के साथ। पता अब तुम सावधान हो जाओ, दुष्टा इसी ओर आ सकती है। ताड़का वो राक्षसी जो मनुष्यों का आहार करती है, घोर नाद करती हुई आ रही है। व्यवस्था बनाए रखिए, आप अपने स्थान पर बैठ जाइए, सभी को आनंद आएगा। इस तरह से वातावरण खराब न कीजिए, ताड़का आपके समक्ष आएगी। सभी से मेरा निवेदन, बैठ जाइए, अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए। पीछे पीछे जितने भी लोग हैं सबसे मेरा निवेदन, बैठ जाइए। आप बैठ कर लीला देखेंगे तो आनंद आएगा। सभी से मेरा निवेदन, पीछे वाले मेरी आवाज नहीं सुन रहे हैं, सभी से मेरा निवेदन, बैठ जाइए। ताड़का आपके समक्ष आएगी। Ha ha ha!